हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम दुआ फ्रॉम एमएंड एजुकेशन एकेडमी ऑफ लिटरेचर। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बिफोर गोइंग फर्दर। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस टू जॉइन आवर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस थ्रू द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टुडे वी आर गोइंग टू कवर इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स। दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस द लिटरेरी एनालिसिस ऑफ एनी टेक्स्ट। तो दिस इज़ पार्ट 3 एंड आई हैव ऑलरेडी कवर्ड मेनी ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस इन माई अर्लियर वीडियोज़। यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। स्पेसिफिकली आई हैव जज्ड दैट एम ए इंग्लिश एंट्रेंस के एग्जाम में लिटरेरी डिवाइसेस आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस को कवर करेंगे, जैसे कि एलिट्रेशन, एनाफोरा एंड एपिस्ट्रोफे, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, एंजैबमेंट, ऑनोमेटोपिया, एल्यूजन, इमेजरी एंड इन्वर्जन। Five will be covered in this video and rest of the five in the next part of the video. You will be getting plenty of examples and will be asked question also in the end, so please do watch carefully. सबसे पहले बढ़ते हैं एलिट्रेशन की तरफ। एलिट्रेशन एक स्टाइलिस्टिक डिवाइस है जिसमें नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग द सेम कॉन्सोनेंट साउंड अकर क्लोज टुगेदर इन अ सीरीज, इतने क्लोज कि उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर दिया जाए। आप यहाँ पर लिखा, अब एग्जाम्पल देखिए, अ बिग बुली बीट्स अ बेबी बॉय। तो यू कैन ईजिली, इवन अ न्यू कमर टू इंग्लिश कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट साउंड ऑफ ब ब ब इज बींग रिपीटेड ओवर एंड अगेन। सो दिस इज वॉट द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन इज। ये तो हुआ सिंपल एग्जाम्पल। अब देखते हैं एलिट्रेशन का एग्जाम्पल लिटरेचर में कहाँ यूज़ हुआ है। किसी फेमस पोइट्री में आप सब लोगों ने द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर पढ़ी होगी, एसटी कॉलेज की क्लास 10th में पढ़ाई जाती है स्कूल्स में। तो इसी की लिखी हुई एक लाइन देखते हैं, द फेयर ब्रीज ब्लू एंड वाइट फोम फ्लू, द फरो फॉलोड फ्री, वी वर द फर्स्ट दैट एवर बर्स्ट इन टू दैट साइलेंट सी। तो आप देखिए यहाँ पर जिसको मैंने रेड में हाईलाइट किया है वो सब साउंड्स हैं। इन दी अबव लाइंस वी सी एलिट्रेशन ऑफ द साउंड्स ब फ एंड स इन द फ्रेजेस। ब इज रिपीटेड इन द फ्रेज ब्रीज ब्लू, फ फोम फ्लू एंड फरो फॉलोड एंड स इन साइलेंट सी। एलिट्रेशन का ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप जितने एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, जितना एनालिसिस करेंगे एज प्रैक्टिस, उतना आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस बाय एंड्रू मार्वल, ये भी लगभग सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ी होती है लिटरेचर के। तो मैं पढ़ती हूँ वो लाइन्स जहाँ पर रिपीटेशन हो रही है साउंड्स की, हैड वी बट वर्ल्ड इनफ इन टाइम दिस कॉयनेस लेडी वर नो क्राइम, वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू वॉक एंड पास आवर लॉन्ग लव्स डे। सो दोबारा से नोटिस करिए यहाँ पर किस तरीके से एलिट्रेशन इस पोइट्री में यूज़ की गई है स्पीकर की तरफ से रोमांस शो करने के लिए। सो एलिट्रेशन इन लॉन्ग लव, तो लॉन्ग लव एक आप वर्ड स्पेसिफिकली देख सकते हो। थर्ड लाइन में यू कैन सी वी वुड एंड विच वे। तो इस तरीके के एडजेसेंट वर्ड्स में अगर रेपिटेशन ऑफ साउंड हो रहा है तो यू विल कंसिडर इट प्योर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। यहाँ खत्म होता है एलिट्रेशन द फर्स्ट वन। सेकेंड और थर्ड हम एक साथ करेंगे, एनाफोरा एंड एपिस्ट्रोफे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं इन ऑपोजिट टर्म्स। सो इन रेटोरिक, एनाफोरा इज़ अ रेटोरिकल डिवाइस दैट कंसिस्ट्स ऑफ रिपीटिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ नेबरिंग वर्ड्स, नेबरिंग क्लॉजेस, दे बाय लेंडिंग देम अ सर्टेन काइंड ऑफ एम्फेसिस। एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में है एपिस्ट्रोफे। एपिस्ट्रोफे इज रिपीटिंग वर्ड्स एट द क्लॉज एंड और एट द सेंटेंस एंड। द कॉम्बिनेशन ऑफ एनाफोरा एंड एपिस्ट्रोफे रिजल्ट्स इन सिंप्लॉस। सिंप्लॉस को हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ एनाफोरा और एपिस्ट्रोफे समझने के बाद में समझ लेंगे। उस टर्म को मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है एग्जाम में, बट आप इजीली समझ जाएंगे अगर आप ये दोनों टर्म समझ जाते हैं। तो पहले इन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एनाफोरा इज ऑपोजिट ऑफ एपिस्ट्रोफे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसमें
कुछ फ्रेजेस रिपीट होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस, जो कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं. फाइव 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 इज बीइंग रिपीटेड, फाइव ईयर्स हैव पास्ड, फाइव समर्स विद द लेंथ ऑफ फाइव लॉन्ग विंटर्स एंड अगेन आई हियर दीज वाटर्स. अब इसी का ऑपोजिट है एपिस्ट्रफे, जिसमें कि फ्रेज रिपीट होते हैं एट द एंड ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस. एग्जांपल देखिए, आई केयर फॉर यू, आई वांट यू, आई नीड यू. तो यू 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 हैज़ बीन रिपीटेड मेनी अ टाइम, सो दिस बिकम्स द एग्जांपल ऑफ एपिस्ट्रफे. मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को एग्जांपल्स ज़्यादा से ज़्यादा करवाऊँ, डेली लाइफ एग्जांपल्स भी प्लस एग्जांपल्स फ्रॉम लिटरेचर भी. स्पेसिफिकली लिटरेचर एग्जांपल्स आपके बहुत काम आएंगे. आइए यहाँ देखते हैं विलियम ब्लेक की लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत पोइट्री, लंदन. इन लंदन विलियम ब्लेक सेज, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन, द माइंड फॉर्ज्ड मैनेकल्स आई हियर. सो यू कैन सी every in every basically written in first three lines as a repetition, so in every becomes anaphora here. अब एपिस्ट्रोफे का एग्जाम्पल लेते हैं लिटरेचर से. जूलियस सीजर आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जो भी लिटरेचर लवर्स हैं उनके लिए दिस इज़ लाइक अ बाइबल. सो एपिस्ट्रोफे का एग्जाम्पल लेते हैं जूलियस सीजर से. देर इज टीयर्स फॉर हिज लव, जॉय फॉर हिज फॉर्च्यून, honor for his valor and death for his ambition. Who is here so base that would be a bondman if any speak for him? Have I offended? Next, who is here so rude that would not be a Roman if any speak for him? Have I offended? Who is here so vile that would not love his country if any speak for him? Have I offended? तो आप देखिए इन लाइन्स को एम्फेसाइज करने के लिए किस तरीके से फॉर हिम, हैव आई ऑफेंडेड, इन फ्रेजेस को कंटिन्यूसली एट द एंड रिपीट किया गया. तो एट द एंड रिपीट किया गया है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एपिस्ट्रोफे. नाउ ऑनवर्ड्स प्लीज डू नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू टर्म्स. I told you in this video already that simplause will become a piece of cake once you know these two terms. So, अब simplause को सिर्फ एक example के through समझ लेते हैं. When there is talk of hatred, let us stand up and talk against it. When there is talk of violence, let us stand up and talk against it. So, I don't think I need to make you people understand how the phrase is being repeated at the beginning and how the phrase is being repeated at the end. You are the best judge now. आइए अब बढ़ते हैं एसोनेंस की तरफ. एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड्स ऑफ वर्ड्स और सिलेबल्स आइदर बिटवीन देयर वोवल्स और बिटवीन देयर कॉन्सोनेंट्स. एसोनेंस को थोड़ा सा और समझ लेते हैं. दिस इज़ अ लिटरेरी डिवाइस विच इज़ यूज्ड वेरी वाइडली थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड एसोनेंस is the repetition of the same or similar kind of vowel sound within the words, phrases or sentences. The word is derived from the Latin phrase esonere, meaning to answer with the same sound. And the following is a very simple example of esonance. She see to beam rays of sunshine with her eyes of green. तो आप यहाँ पर लिखे हुए red words को देखिए, seems, beam, green. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ई का साउंड कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है इन तीनों वर्ड्स में. तो दिस इज व्हाट वी कॉल एसोनेंस. अब देखिए नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट एग्जांपल, ट्राई टू लाइट द फायर. तो आपको यहाँ पर ट्राई, लाइट और फायर इन तीनों वर्ड्स में आई का साउंड रिपीट होता हुआ नजर आ रहा होगा. तो एसोनेंस इज बेसिकली द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स विद इन टू सिलेबल्स, विद इन टू वर्ड्स. एसोनेंस को लिटरेचर के थ्रू समझते हैं एमी लॉवेल की दो पोइट्रीज के थ्रू. एमी लॉवेल जो कि एक बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर थी, इन अ गार्डन फर्स्ट पोइट्री, इसमें लिखी हुई लाइन को देखिए, विद इट्स लीपिंग एंड डीप कूल मर्मर. आप यहाँ पर रेड हाईलाइटेड वर्ड्स देख सकते हैं, यहाँ पर साउंड आएगा लीप एंड डीप. तो ई साउंड रिपीट हो रहा है इन दोनों में, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एसोनेंस. नेक्स्ट एमी लॉवेल की ही द टैक्सी, एंड शाउट into the ridges of the wind. Ridges or wind, इन दोनों में आपको short e sound repeat होता हुआ नज़र आ रहा होगा. तो e sound is a vowel sound and it is being repeated, that is why it comes under the category of assonance.
अब कॉन्सोनेंस देखते हैं. कॉन्सोनेंस इज रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एज एसोनेंस वॉज रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सोनेंस एंड एलिट्रेशन देन? दोनों में ही तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है. नहीं, दोनों में डिफरेंस है. कैसे, हम देखते हैं. ये हैव वी गो. Another literary device used by writers and poets is consonants, and it is the repetition of final consonant sound. Please ध्यान से सुनिए, final consonant sound. Example देखते हैं. Shall I wasting in despair by George Wither के द्वारा. Great or good or kind or fair. I'll near the more despair. तो आप देखिए, good और काइंड में ड साउंड रिपीट हो रहा है. नियर द मोर डिस्पेयर में र साउंड रिपीट हो रहा है. सो हेयर द यूज ऑफ कॉन्सोनेंस कैन बी सीन थ्रू द रेपिटेशन ऑफ ड एंड र साउंड. इन दोनों टर्म्स के डिफरेंस को थोड़ा सा बेटर वे में समझते हैं. इन एलिट्रेशन द रेपिटेशन इज हैपन इन द वर्ड्स वेयर द स्ट्रेस इज अवेलेबल. On the other hand, in consonants, the repetition of consonant sound occurs in closely connected words. This is the major difference between these two literary terms. Example के through समझते हैं. After the wicked women, अभी मैं alliteration का example दे रही हूँ आपको. After the wicked women from the west was arrested, wished she wasn't a witch. तो W और you can say W, ये sound repeat हो रहा है यहाँ पर. Wicked women, west, was, wished. And which में. Next, she stood stock still seriously wounded. तो stood stock still seriously. इनमें सा साउंड रिपीट होता हुआ देख पा रहे हैं आप. Next, very beautiful lines. The friendly farmer fed the five families every year. तो friendly farmer fed five families. इनमें आप फ साउंड रिपीट होता हुआ देख पा रहे हैं. ऐसे ही देखते हैं कॉन्सोनेंस को. एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे. कॉन्सोनेंस जैसा कि मैंने बताया एक स्टाइलिस्टिक लिटरेरी डिवाइस है दैट अप्लाइज द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर और आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट्स स्पेसिफिकली एट द एंड ऑफ अ कपल और मोर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. द वोवल्स ऑफ दीज वर्ड्स हाउएवर मे बी डिफरेंट. एग्जाम्पल देखते हैं. द बिग अगली फ्रॉग लीप्ड ऑन अ लॉग. तो बिग फ्रॉग और लॉग, इनमें आप ग साउंड रिपीट होता हुआ देख पा रहे हैं. नेक्स्ट, लेडी लक स्ट्रक अगेन. तो लक और स्ट्रक, इनमें आप क साउंड रिपीट होता हुआ देख पा रहे हैं. नेक्स्ट, ऑल दैट स्टार्ट्स वेल एंड्स वेल. तो ऑल वेल और अगेन वेल, इन सब में आप ल साउंड रिपीट होता हुआ देख पा रहे हैं. मैं आप लोगों की नॉलेज जज करने के लिए दो क्वेश्चंस पूछ रही हूँ आपसे. द फर्स्ट वन, पर्पल पपीज लाइक प्लेइंग ऑन द प्लेग्राउंड. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एनोफोरा और एसोनेंस. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए पहले अच्छे से. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ procreation, singing the need of superb children and therein superb grown people, singing the muscular urge and the blending. Walt Whitman की lines हैं ये. और these lines are example of which of the following? This you have to answer. Anaphora, alliteration, paradox or epistrophe. Please read the options carefully. Please read the question carefully and do answer both of the question in comments. नेक्स्ट पार्ट में हम इन डिवाइसेस को कवर करेंगे. एंजैबमेंट, ओनोमेटोपिया, अल्यूजन, इमेजरी एंड इन्वर्जन. तो वी विल नॉट लीव द टॉपिक हेयर ओनली और विद द नेक्स्ट पार्ट ओनली. वी विल कंटिन्यू डूइंग दिस काइंड ऑफ वीडियो विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर लिटरेचर स्टूडेंट. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.